Namaskar everybody, this is Yofin Manila and first of all wish you all a very happy new year. Apunalu hokoloike ingraji notun bosor bohut bohut hubokamona gyapon korisu. Friends, as you know that nowadays I'm in Africa's Malawi or last year mein India ki Assam mein thi to India ki Assam mein apne माँ बाबा अपनी छोटी बहन के साथ मैंने न्यू ईयर सेलिब्रेट की थी. लास्ट ईयर की बात बोल रही हूँ और इस बार मैं अफ्रीका की मलावी में हूँ तो यहीं पे न्यू ईयर सेलिब्रेट करूँगी. ओ हाँ, अभी हम लोग इंग्लिश न्यू ईयर के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं बोलना चाहती हूँ कि मैंने कहीं पढ़ी थी इंग्लिश न्यू ईयर की शुरुआत बेबिलियन नाम की एक जगह में सबसे पहले हुए थे और वो भी 4000 ईयर्स से पहले. और तब से लेकर अभी तक जनवरी के फर्स्ट डे में यानी कि 1st of January में इंग्लिश न्यू ईयर सेलिब्रेट किया जाता है. यही पे मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाहती हूँ कि इंग्लिश कैलेंडर हमारे असमीज कैलेंडर या हिंदी कैलेंडर की तरह ही होते हैं. उसमें भी ईयर के 12 मंथ्स होते हैं और इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार 1st of January को ईयर का पहला दिन होता है तो इसलिए 1st of January को ही न्यू ईयर मनाया जाता है. आई मीन टू से इंग्लिश न्यू ईयर. आप लोगों से और एक बात मैं शेयर करना चाहती हूँ, शेयर मतलब आप लोगों से पूछना भी चाहती हूँ कि आप लोगों ने कभी किसी को ग्रीटिंग्स कार्ड भेज के विश किया है? मैंने तो बचपन में बहुत सारे लोगों को ग्रीटिंग्स कार्ड भेजे हैं. माँ से बाबा से पैसे लेकर ग्रीटिंग्स कार्ड खरीदती थी मैं बचपन में और उसके बाद अपने फ्रेंड्स को फैमिली मेम्बर्स को भेजती थी हैप्पी न्यू ईयर लिख के या कुछ भी, मतलब जो मन में आते थे अच्छी अच्छी बातें वो सब लिख के मैं उन लोगों के लिए भेजती थी. बट अभी तो ये सब है ही नहीं. जब से मोबाइल फ़ोन आए हैं ना तब से मोबाइल फ़ोन, पहले तो SMS का ज़माना था उसमें SMS करते थे, अभी WhatsApp में मैसेज कर देते हैं हैप्पी न्यू ईयर और जो भी मन में आते हैं वो मैसेज कर देते हैं. पर बचपन के उन ग्रीटिंग्स कार्ड की बात ही कुछ अलग थे, अभी भी याद आते हैं वो सब बातें. एनीवे अभी मुझे रेडी होना है न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए, जा रही हूँ. तुम भी जा रहे हैं, हम लोग मिलके न्यू ईयर सेलिब्रेट करेंगे. यही पास में, ज़्यादा दूर नहीं है तो अभी रेडी होंगे. हमारे कुछ कॉमन फ्रेंड्स भी थे बट वो लोग दूसरे किसी कंट्रीज में गए हैं तो वहाँ पे वो लोग न्यू ईयर सेलिब्रेट करेंगे और हम लोग यहीं पे करेंगे. तो अभी जल्दी जल्दी मैं रेडी हो जाती हूँ, रेडी होने के बाद आप लोगों से मिलती हूँ, ठीक है. और अभी जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रही हूँ ये है 2022 की आखिरी शाम यानी कि 31st December की शाम. थोड़ी देर बाद शाम ढल जाएंगे, रात हो जाएंगे तो जल्दी जल्दी मुझे रेडी होना है और उसके बाद न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए निकलना है. तो फिर रेडी हो जाती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ. सो फ्रेंड्स आई एम रेडी नाउ, चलिए चलते हैं न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए. तो अभी हम लोग जा रहे हैं न्यू ईयर के सेलिब्रेशन के लिए. ये है रात का मलावी, रात का नजारा भी अच्छा लगता है ना, इट्स ऑसम. आके यहाँ पहुंच गए हैं हम लोग, देखिए कितना ज्यादा भीड़ है. आप लोगों को बैक कैमरा ऑन करके मैं दिखा रही हूँ. ओह माय गॉड, सच अ बिग क्राउड. तो चलिए चलते हैं, अभी डिनर कर लेते हैं. आइए, जा रही हूँ रेस्टोरेंट के अंदर, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं. सो फ्रेंड्स अभी यहाँ के बैठी हूँ, वेट कर रही हूँ मेन्यू आ जाए उसके बाद ऑर्डर करेंगे. ये आ गए हैं हमारा कोक स्टार्टर, आल्सो पनीर का स्टार्टर लिया है ये. स्टार्टर खाने के बाद मेन कोर्स भी आ गए. आई एम फीलिंग वेरी हंग्री. सो व्हाट डू यू वांट टू से? हैप्पी न्यू ईयर. हैप्पी न्यू ईयर. ओके, तो फिर हम लोग खा लेते हैं. हाउ इज द फूड? फूड इज गुड, डिलीशियस, वेरी यम्मी. तो फ्रेंड्स अभी खा लिया, अभी बिल पेमेंट करना है, उसके बाद पास में ही ले चलूँगी आप लोगों को, दिखाऊंगी यहाँ का न्यू ईयर सेलिब्रेशन. बिल आ गया है, हम लोगों ने पेमेंट भी कर दिया, अभी बाहर जाएंगे. वहाँ से थोड़ा बाहर निकल के ही मैं ये डेकोरेशन देख रही हूँ. देखिए यहाँ न्यू ईयर के लिए कितना अच्छे से डेकोरेट किया गया है.
रेस्टोरेंट के बाहर कितना बड़ा क्राउड है, बहुत सारे लोग हैं। एक्चुअली न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए फंक्शन भी होंगे ना यहाँ, तो वो आप लोग को अभी वहाँ ले जाऊंगी। बहुत ही ज्यादा क्राउड है, बहुत अच्छा। यहाँ हो रहा है फंक्शन और बहुत सारे सिंगर्स आए हैं, यहाँ के लोकल सिंगर्स, वो लोग गाना गा रहे हैं। I'm enjoying very much. हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, बट कितना ज़्यादा क्राउड है अभी भी, देखिए। घर के अंदर आते ही देख रही हूँ मेरी प्रिंसेस सो रही है। So hey friends, I'm back. बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, साल के आखिरी दिन में बाहर डिनर किया, नए साल का स्वागत किया एंड जो यहाँ की सेलिब्रेशन है, न्यू ईयर की जो सेलिब्रेशन है वो मैंने आप लोग को दिखाई, मैंने भी एंजॉय की। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज थम्स अप, सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन एंड ऑल्सो शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड हैप्पी न्यू ईयर 2023 वंस अगेन। आई होप योर लाइफ विल बी फुल ऑफ स्वीट सरप्राइजेस एंड जॉय in this new year. Thank you. Love you all. See you soon. Joy ayo ho. Jai Hind.